वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है हैप्पी की। हैप्पी मसाज देने का काम करती है, लेकिन उसे देखकर सब उसके साथ घपाघप करना चाहते हैं। तो हैप्पी क्या करेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है होम सर्विस। कहानी शुरू हुई हैप्पी नाम की लड़की से, जो एक मॉडल होने के साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी, पर उसे अपना कॉलेज फी देने के लिए मसाज का काम भी करना पड़ता था। अब कॉलेज के बाद हैप्पी की मुलाकात उसके एक क्लाइंट जिमी से हुई, जो उसे सर्विस के लिए अपने घर ले जाने आया था। दरअसल हैप्पी का काम ही था कि घर जाके लोगों को मसाज देना, और उस दौरान अगर उनका मूड खुदाई का हुआ तो वो खुदाई भी करेगी, पर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। तो कुछ इस तरह हैप्पी होम सर्विस देने का काम करती थी। जो भी हो, जिमी हैप्पी को अपने फ्लैट पर ले आता है, जिसके बाद उसने हैप्पी के बड़े बड़े संतरों के साथ खेलने के बाद जब उसने हैप्पी को अपने घोड़े की सवारी करवाई, तो हैप्पी भी उसे जिमी 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 आजा 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 कहके बुलाने लगी। जिमी को आउट करने के बाद हैप्पी कुछ कॉलेज के नए लड़कों से मिली, और इनडायरेक्टली वे में उसने उन्हें जन्नत शेयर कराने का तरीका बताया, तो वो सब भी अगली बार बुकिंग के लिए मान गए। थोड़ी देर बाद हैप्पी ने अपने एक और क्लाइंट के घोड़े की सवारी की, और आज का कोटा पूरा करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट एक फीमेल मॉडल मारिया के साथ थी, जिसने हैप्पी को पहले लंच करवाया और फिर उसे अपने घर ले आई। मारिया का घर देखकर हैप्पी समझ गई थी कि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो उसने मारिया को ऐसा मसाज दिया जिससे मारिया की बॉडी का सारा पेन निकल गया। वहीं मारिया ने हैप्पी को बताया कि एक फैशन मैगजीन में उसकी जान पहचान है, और वो उसकी कुछ अच्छी फोटोज अपने फोटोग्राफर फ्रेंड लियो से खिंचवा कर उस मैगजीन के एडिटर को भेज देगी। इसके बदले में हैप्पी को बस उसे फ्री में मसाज देना था। तो हैप्पी भी हैप्पी हैप्पी इस डील के लिए मान गई, और अगले दिन अच्छे से शावर वगैरह लेने के बाद वो मारिया से मिली, जिसने उसे अपने महंगे महंगे सेक्सी वाले ड्रेसेस दिए, जिसके बाद हमारे साथ हैप्पी भी फर्स्ट टाइम लियो से मिली, जो आगे चल के इन दोनों की लेने वाला है। अब लियो भी अपने काम में बेस्ट था, तो उसने हैप्पी की बहुत सारी बोल्ड पिक्चर्स ली, वो भी एंगल सेट कर करके, और इस दौरान हैप्पी और लियो की बॉन्डिंग भी बढ़ने लगी थी। लेकिन इस फोटोशूट से पहले मारिया फोन पे किसी से बात कर रही थी, और उसकी बातों से हम समझ पा रहे थे कि जैसा वो हैप्पी के सामने खुद को शो कर रही है, वैसा रियल में कुछ भी नहीं है। फोटोशूट के बाद जैसे ही हैप्पी घर से निकली, लियो और मारिया एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े। पहले तो लियो ने मारिया को कपड़ों के ऊपर से ही गीला किया, और फिर आशिक बनाया आपने वाले स्टाइल में उठाकर मारिया को बेडरूम में ले गया। उसके बाद तो लियो ने मारिया की गुफा में जो गदर मचाया है, पूछो ही मत। खैर, अगली सुबह मारिया जिम जा रही थी, पर लियो उसकी कैलोरीज बेडरूम में ही बर्न करना चाहता था। लेकिन मारिया ने लियो की बात नहीं मानी और जिम आकर अपने एक गे दोस्त से मिली, जो उसे किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए बोलता है, और खुद लॉलीपॉप के चक्कर में एक लड़के के पीछे निकल लिया। उधर लियो ने हैप्पी को कॉल करके अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उसके फोटोज प्रिंट होके आ गए थे, तो हैप्पी भी फोटो देखने के लिए एक्साइटेड हो गई थी। यही हम हैप्पी की रूम पार्टनर जोय से मिले, जो हैप्पी की तरह ही अपनी फीस भरने के लिए होम सर्विस देती थी। अब जल्दी से हैप्पी लियो के पास आई, और जब लियो ने उसे फोटोज दिखाए तो हैप्पी शॉक थी, क्योंकि उसकी फोटोज कुछ ज्यादा ही अच्छी आई थी। यही धीरे धीरे लियो हैप्पी से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब जा रहा था। पहले तो हैप्पी लियो को ये बोलकर मना कर देती है कि मारिया लियो को पसंद करती है, इसलिए वो लियो के घोड़े की सवारी नहीं करेगी। पर लियो ने उसे समझाया कि वो उसे पसंद करता है, और अगर वो उसे ना पसंद है तो यहाँ से जा सकती है। बस ये सुनने की देरी थी कि उसके बाद तो हैप्पी ने अपने बड़े बड़े संतरों का इस्तेमाल कर लियो का मुंह ही बंद कर दिया। लियो ने भी ऐसी परफेक्ट बॉडी का एक्सपीरियंस पहली बार किया था, तो उसने हैप्पी की हर पोजीशन में ली। अब हैप्पी को भी घोड़े पे चढ़ने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था, बट लियो जिस तरह से उसे ट्रीट कर रहा था वो उसके लिए कुछ नया था। तो खुदाई का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हैप्पी शावर लेने गई, तो लियो एक सीक्रेट रूम में गया, जहां हमने देखा कि उनके पूरे घर में कैमरा लगा हुआ है, और थोड़ी देर पहले लियो ने जो खुदाई हैप्पी के साथ की थी, लियो ने उसकी प्रॉपर HD क्वालिटी में वीडियो बना ली है। यहाँ हमें समझते देर नहीं लगती कि ये सब एक फ्रॉड है, और इनका काम बस लड़कियों को फंसा के उनका वीडियो बनाना है। उसी रात हैप्पी के जाने के बाद जब मारिया घर आई, तो उसे भी लियो के घोड़े की सवारी करनी थी, पर लियो ने तो सारी एनर्जी हैप्पी पे ही खत्म कर दी थी, और लियो की हालत देखकर मारिया समझ भी गई थी, इसलिए वो सीधा सीक्रेट रूम में गई, जहां उसने देखा कि लियो ने हैप्पी की कैसे ली। अब जिस तरीके से लियो हैप्पी से बात कर रहा था, उसे देखकर मारिया जेलस हो रही थी। खैर जो भी हो, अब अगले दिन उन्होंने हैप्पी को अपने घर में शिफ्ट करवा लिया, ताकि वो उसकी अच्छे से वीडियो बना सके। वहीं ब्रेकफास्ट करते हुए लियो और मारिया एक दूसरे से प्यार जताते हैं, ताकि हैप्पी को उन पे शक ना हो। यही लियो ने मारिया को हैप्पी की सेक्सी सेक्सी फोटोज भी दिखाई, जिसे लेकर मारिया एक जैपनीज आदमी यू के पास गई। वो इन सब का दलाल था। यू ही सारी वीडियोस और फोटोज के बदले मारिया को पैसे दिया करता है। पैसे मिले तो मारिया ने कुछ पैसे हैप्पी के कपड़ों पे भी खर्च किए।
अब जब वो शॉपिंग करके घर जा रहे थे तब मारिया ने उसे बताया कि आज लियो का बर्थडे है जिसे वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। यही हमने देखा कि कुछ लोग मारिया और हैप्पी के पीछे है जो उनके हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे थे। उधर दूसरी ओर लियो ने पार्टी एरिया में भी कैमरा वगैरह सेट कर दिया था, यानी बर्थडे पार्टी में भी तगड़ी खुदाई होने वाली है। अब रात में बर्थडे की शुरुआत शैंपेन से हुई और शैंपेन खत्म होने के बाद ट्रूथ एंड डेयर का गेम ऑन हुआ जिसमें सब डेयर ही दे रहे थे। तो पहले डेयर गया लियो को जिसने अपनी शर्ट उतार के आइस क्यूब से अपनी जिस्म की आग बुझाई। वही दूसरा डेयर गया मारिया को जिसे हैप्पी के साथ किस करना था, लिप टू लिप डीप वाला। और जब उन्होंने किस करना शुरू किया तो फिर वो रुके ही नहीं। इसी बीच लियो ने भी उन दोनों को ज्वाइन किया और एक एक करके दोनों को अपने घोड़े की सवारी करवा दी। मारिया और हैप्पी ने भी एक दूसरे को अपनी झील का मीठा पानी टेस्ट करवाया और इस तिगड़ी भिराने के बाद अगले दिन हैप्पी जिमी से काफी दिनों बाद मिली। जिमी उसे फिर से होम सर्विस के लिए बुला रहा था पर हैप्पी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अब पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी और पैसे उसे मारिया से मिल ही जा रहे थे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए और हैप्पी के जाते ही जो लोग उन पे नजर रख रहे थे वो भी जिमी से मिले। तब हमें पता चला कि वो सब पुलिस वाले हैं और उन्हें मारिया और लियो जो कर रहे हैं उसकी भनक है, इसलिए वो हैप्पी के पीछे पड़े हैं ताकि उसे गवाह बना के इस स्कैंडल को एक्सपोज कर सके। तो उसी रात जब हैप्पी घर आई तो उसने देखा कि घर पे पुलिस वालों ने रेड डाल दी है और जब उसे पुलिस वाले सर्जेंट के पास ले गए तो सर्जेंट ने हैप्पी को उसके वीडियो टेप्स दिखा के समझाया कि वो लोग तुम्हारे वीडियोस बना के यू नाम के जैपनीज आदमी को बेचते थे। ये सब सुनकर हैप्पी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब सार्जेंट हैप्पी को यू के पास लाया और उसे बताया कि यू मारिया से वीडियो खरीदता है और फिलीपींस में जाकर एक एडल्ट साइट पे सारी वीडियोस को अपलोड कर देता है। यही उसने हैप्पी को उसकी बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई जिसकी सिंगल कॉपी सार्जेंट के पास थी। अब जिस तरीके से सार्जेंट हैप्पी को देख रहा था वो देखकर हैप्पी समझ गई कि सार्जेंट उससे क्या चाहता है। तो अगले सीन में हमने उन दोनों को कमरे में बिना कपड़ों के देखा क्योंकि सर्जेंट हैप्पी से मसाज लेने वाला था, पर हैप्पी जानती थी कि सर्जेंट उसकी गुफा में जाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया था। और फिर सर्जेंट ने हैप्पी का फायदा उठाया जिसकी वीडियो अब हैप्पी के पास थी। तो खुदाई खत्म होने के बाद बीच रात में ही हैप्पी वहां से भाग गई और फिर उसने सर्जेंट को वो सारे वीडियोस भेज दी और धमकी भी दी कि अगर वो उसे दोबारा मिला तो ये वीडियो उसके डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। इधर मारिया और लियो ने अपने घर के बाहर पुलिस वालों को देख लिया था, इसलिए जब पुलिस वहां से चली गई तो वो पीछे वाले रास्ते से अपने कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल लिए। अब कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मारिया वापस से अपने काम पर लग गई और गेस व्हाट, इस बार हैप्पी ने उन पे नजर रखी हुई थी। तो लियो ने एक बार फिर से खुदाई करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब जब लियो अकेला रहता है तो उससे हैप्पी मिली और एज ए नॉर्मली बात किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगले दिन हैप्पी सार्जेंट से मिलकर उसे सारी बात समझाए क्योंकि सार्जेंट ने भी मारिया पे नजर बनाई रखी थी। इस मिशन में हैप्पी ने सार्जेंट से हाथ मिला लिया, अगर मारिया और लियो पकड़े गए तो सार्जेंट हैप्पी का नाम केस से बाहर कर देगा, बदले में हैप्पी सार्जेंट की वीडियो डिलीट कर देगी। इसके बाद हमने देखा कि हैप्पी ने अपनी रूम पार्टनर लिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो पैन कैमरा की मदद से मारिया और लियो के इस पूरे रैकेट को कैद करके एक्सपोज करने वाले थे। इस काम में उनकी मदद सार्जेंट ने भी की। अब धीरे धीरे करके लिली मारिया और लियो की वीडियो फुटेज सार्जेंट और हैप्पी को भेज रही थी, लेकिन वक्त से पहले ही हैप्पी ने मारिया और लियो को वीडियो फुटेज दिखाकर उन्हें बता दिया कि पुलिस जल्दी ही उन्हें पकड़ लेगी और अगर उन्हें बचना है तो उसके हिसाब से चलना होगा। पर ये दोनों इतने बेवकूफ तो है नहीं कि सामने दिख रहा हो कि एल लगने वाला है फिर भी ना भागे। तो ये दोनों कार में सवार होकर भाग रहे थे तो हैप्पी ने तभी उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और उन दोनों को एक सुनसान जगह पे ले आई जहाँ पे सार्जेंट भी आने वाला था, इसलिए हैप्पी ने उन दोनों को हथकड़ी लगाई और खुद जाके झाड़ियों में छुप गई। थोड़ी देर बाद वहाँ सार्जेंट आया जो उन दोनों को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने वाला था। तभी लियो ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उनमें फाइट होने लगी। इसका फायदा उठाकर मारिया ने सार्जेंट और लियो दोनों को गोली मार दी और जाने से पहले उसने वो गन सार्जेंट के हाथ में रख दी, पर सार्जेंट अभी तक जिंदा था तो उसने भी मारिया पे गोली चलाकर उसे मार दिया। अब तीनों के मर जाने के बाद वहाँ हैप्पी आई और एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसे देखकर लगे कि तीनों ने एक दूसरे को मार दिया है। वही एंड में हमने देखा कि हैप्पी ने अपने सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए और अपनी ट्रॉली को भी नदी में फेंक दिया। यहाँ उसकी मुलाकात एक जेंटलमैन से हुई जो ये समझ बैठा था कि हैप्पी सुसाइड करने वाली है, तो हैप्पी ने उसे सारी बात बताई जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया मसाज करवाने, मतलब फिर से घपाघप। इसी एंडिंग के साथ हमारी आज की मूवी होम सर्विस यहीं पर खत्म हो गई। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप हमारी पिछली वीडियोस को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।